से छुंदा बनाते हैं। तो चलिए उसके लिए हमें चाहिए शक्कर, मिर्च का पाउडर, नमक और कच्चे कैरी को कद्दूकस कर लिया गया है। तो 1 किलो मैंने कच्चे आम को कद्दूकस किया है, तो 1 किलो हम शक्कर भी लेंगे। तो चलिए हम शक्कर और कच्चे कैरी को मिक्स करते हैं। एक मोटा कढ़ाई लेंगे जिसमें हमें कच्चे आम को और शक्कर को मिक्स करना है और उसे चलाना है जब तक कि शक्कर पिघल नहीं जाता। देखिए शक्कर अब पूरी तरह से पिघल गया है। इसे हमें तब तक हिलाना है जब तक कि शक्कर की एक तार की चाशनी नहीं बन जाती। इसको कंटिन्यूसली हमें चलाना है जिससे कि हमेशा मिक्स होते रहे, नीचे लगे नहीं। देखिए अब कितने अच्छी तरह से ये उबल रहा है। अब हम थोड़ा सा फूड कलर इसमें डालते हैं जिससे कि इसका कलर अच्छे से उभर कर आए। मैंने इसमें फूड कलर का यूज़ किया है जो कि ये पीला कलर का है। ये कितना गाढ़ा हो गया है ये देखिए। अब ये एक तार की चाशनी बन गई है। अब इस स्टेज में हम नमक और स्वाद के अनुसार मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। आपको अगर नहीं चाहिए तो आप मत डालिए और इसको अच्छी तरह से हिला दें। ये देखिए एकदम गाढ़ा हो गया है, शक्कर इसमें अच्छी तरह से मिल गया है एक जैम की तरह। अब हम इसका एक प्लेट टेस्ट करेंगे। जैसे कि इस प्लेट में हम ये थोड़ा सा मिश्रण यहाँ पे ले लेते हैं और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। देखिए हमने जिस प्लेट में थोड़ा सा मिश्रण निकाल कर हमने इसको रखा था, अब मैं इसे उल्टा करती हूँ तो देखिए एक साथ में फ्लैट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जैम हमारा ये छुंदा तैयार हो गया है। इसे हम अब ठंडा करेंगे और एक भरने में भर के रख लेंगे। ठंडा होने पर छुंदा को मैंने इस भरने में भर कर रख लिया है। ये देखिए अब ये छुंदा खाने के लिए तैयार है। इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ या ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। छुंदा आपके लिए तैयार है।